हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा किछि इम्पोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन उपरे, जहाँ आमर जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी सेक्शन अच्छी से आम डिस्कशन करिबा। ये होची मॉक टेस्ट नंबर 3, एथरे आम डिस्कशन करिबा टोटल 50 क्वेश्चन। आपण माने आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स, एसब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम 2012 रु 2022 मध्ये आसीथिबा क्वेश्चन, ता सहित किछि उत्तर प्रदेश टीटी एंड उत्तराखंड टीटी रो क्वेश्चन मध्ये थरे रहिछि, जहाके एग्जाम पे इम्पोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स, ए वीडियो टी ओटीटी एंड जेटी पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो, काहे ना ओटीटी एंड जेटी रो सिलेबस सेम अटे, सेथिबे इम्पोर्टेंट रहिबो, जेटी पिला मन मई मध्ये इम्पोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ लेटर चाइल्डहुड स्टेज। से कोछि लेटर चाइल्डहुड स्टेज रो एज लिमिट केते। तो आमर चारिटा ऑप्शन रही है, ये सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर डी 6 to 12 इयर्स। तो देखो आमर जो रही आमर 0 to 2 इयर्स आप मैंने कौन ना इन्फेन्सी हुड बा शैशव अवस्था कह जाए, आउ 2 to 6 आमर कौन ना इयरली चाइल्डहुड। आमर चाइल्डहुड को दि भाग विभेद कर गोटे इयरली चाइल्डहुड आ गोटे आप मान कौन ना लेटर चाइल्डहुड। तो आप मान करो 2 to 6 होची एयरली चाइल्डहुड आउ 6 to 12 होची लेटर चाइल्डहुड स्टेज। से पचार लेटर चाइल्डहुड, तो ऑप्शन नंबर डी हम आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रोथ। ग्रोथ सहित कौटा सत्य नुहे, ग्रोथ विषय कौटा सत्य नुहे। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ग्रोथ इज क्वालिटेटिव, ग्रोथ इज फिजिकल नेचर, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। तो देखो ग्रोथ रे आमर क्वांटिटेटिव अटे, यहाँ ठीक अच्छे परिमाणात्मक। ग्रोथ इज फिजिकल इन नेचर, आमर फिजिकली चेंजेस होची ग्रोथ, यहाँ भी ठीक अच्छे। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, आपको आम मेजर कर मापी पार, ये भी ठीक अच्छे। किंतु ग्रोथ रे केबी भी क्वालिटेटिव नुह, डेवलपमेंटा हो क्वालिटेटिव, ग्रोथ नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर, ग्रोथ इज क्वालिटेटिव नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। से कहे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्टिंग करुवा इंटरनल फैक्टर कौटा नुहे। तो देखो चार ऑप्शन रही, एनवायरनमेंट, इंटेलिजेंस, हेरिडिटी, ग्लैंड्स। तो आमर इंटरनल पचार, इंटेलिजेंस, हेरिडिटी एंड ग्लैंड्स, ये तीन टा हूँ इंटरनल। आउ एनवायरनमेंट मैंने परिवेश, यहाँ हूँ आमर बाह्य फैक्टर, बाहर रो कारक अटे। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर, एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हाट इज इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस माने कौन से पचार, डिफरेंसेस एमंग द इंडिविजुअल, डिफरेंसेस विथिन द इंडिविजुअल, डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल, नन ऑफ द अबव। तो ये आमर इंट्रा, आमर दुई प्रकार इंट्रा इंडिविजुअल अच्छी आउ इंटर अच्छी, INTER अच्छी, ये भितर बहुत फरक अच्छे। इंट्रा मैंने जड़े व्यक्ति भितर विभिन्न गुण भितर कंपैरिजन करवा, इंटर मैंने आम अन्य लोक सहित कंपैरिजन करवा। तो देखो ये इंट्रा कही, तो ये आम डिफरेंस एमंग द इंडिविजुअल्स मैंने बहुत लोक मध्य आमर, से कहे बहुत लोक मध्य आमर डिफरेन्स देखा, ये आप मानक इंटर आसूँ इंटर आउ दुई जन भितर एक रु अधिक भितर जदि अन्य लोक सहित जो कंपैरिजन करुछंती ताहले आप मानकर अन्य लोकर गुण सहित कंपैरिजन कले सेटा होची इंटर। एट बिटवीन मैंने दुई जन भितर आसला, एमंग मैंने बहुत जन भितर आसला। तो ये से कही जो अन्य जन सहित आम कंपैरिजन हो मैंने से इंटर जाऊँगी, जड़े व्यक्ति भितर ये आम डिफरेंस विथिन द इंडिविजुअल, यहाँ आम सठिक आंसर हम कहीं ना जड़े व्यक्ति विभिन्न गुण अच्छे, मनकर डैंस आसू, सिंगिंग आसू, पहरबार आसू, जड़े भल बाल काटार आसू, तो से कौन जड़े व्यक्ति भितर जो विभिन्न गुण अच्छे से भितर कंपैरिजन करवा से इंट्रा इंडिविजुअल, जड़े व्यक्ति भितर विभिन्न गुण जो अच्छे से गुण भितर कंपैरिजन कहुए इंट्रा इंडिविजुअल, आउ इंटर मैंने अन्य लोक सहित आम कंपैरिजन करवा। तो ये आम बुझीपाल आप मैंने आमर ये कौन हम डिफरेंसेस विथिन द इंडिविजुअल, मैंने जड़े व्यक्ति भितर तार जो विभिन्न गुण अच्छे ताकि से कंपैरिजन करुच्छे। ऑप्शन नंबर बी आम सठिक आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट रही, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिविटी प्रोसेस। क्रिएटिविटी प्रोसेस रो प्रथम स्टेप कौन से पचार, क्रिएटिविटी प्रोसेस रे फर्स्ट स्टेप हो प्रिपेरेशन, तापर इनक्यूबेशन, तापर इल्यूमिनेशन, एसब रोचे। तो फर्स्ट से पचार, फर्स्ट हो प्रिपेरेशन, ऑप्शन नंबर सी हो सठिक आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कोटा गोटे बाह्य अभिप्रेरणा नुहे से पचारि फ्रेज रिवार्ड क्यूरियोसिटी प्राइज तो देखो आमर एटा आमर जो मोटिवेशन उपर आमर आर एच टी सिलेबस रही ओटीट रही ओएसटी रही आमर सी टी बी एड एपर ओटीट सिलेबस रही तो देखु ये आपर प्राइज मान पुरस्कार देवा रिवार्ड उपहार देवा प्रेज प्रशंसा करने ये तीन टाक हूँ आमर एक्सट्रेनसिक मोटिवेशन अटे बाह्य अभिप्रेरणा अटे कि क्यूरियोसिटी माने आमर जो उत्कंठा मन में किसी मानते शिख किसी जानापी आमर उत्साह रोचे से क्यूरियोसिटी हूँ गोटे इंटरनल मोटिवेशन बा इंट्रिंसिक मोटिवेशन अटे तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गिफ्टेड चाइल्ड तो गिफ्टेड चाइल्ड रो लक्षण कौन से पचार जड़े गिफ्टेड चाइल्ड रो लक्षण कौन से पचार तो लो आईक्यू स्कोर अनेबल टू इंट्राक्ट विथ अदर्स पुअर इमेजिनेसन पावर गुड इन आब्स्ट्राक्ट थिंकिंग तो जी गिफ्टेड चाइल्ड अच्छे ताकि आब्स्ट्राक्ट थिंकिंग भल रोच गुड इन आब्स्ट्राक्ट थिंकिंग अटे ऑप्शन नंबर डी है आम करेक्ट आंसर गुड इन आब्स्ट्राक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट रही है हु हैज प्रोपाउंडेड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग ये क्वेश्चन आम 2022 जो स्पेशल ओटीट होता से क्वेश्चन आसी इजी क्वेश्चन रही है ट्रायल एंड एरर थ्योरी किए देखते से पचार ट्रायल एंड एरर मेथड देखते किए आम ईएल थॉर्नडाइक देखते ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डिस्ग्राफिया कौटा गोटे डिस्ग्राफिया अटे से पचार सॉरी डिस्ग्राफिया कौन से पचार सेंसरी इंपेयरमेंट ना लर्निंग डिसेबिलिटी ना इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट ना लोकोमोटर डिसेबिलिटी तो डिस्ग्राफिया कौन से पचार तो डिस्ग्राफिया गोटे आमर कौन ना लर्निंग डिसेबिलिटी अटे लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्ग्राफिया होते कौन हो आमर इंपेयरिंग ऑफ राइटिंग अक्षमता हो आम लिखे टी प्रोब्लम होटा कह जाए डिस्ग्राफिया कह जाए राइटिंग रे प्रॉब्लम होती है क्या डिस्ग्राफिया कहा जाए सीटा आमर लर्निंग डिसेबिलिटी आसूँ डिस्ग्राफिया लर्निंग डिसेबिलिटी आसूँ ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सीसी आमर जो सीसी रही कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रही रिगार्डिंग कौ स्टेटमेंटा सत्य नुहे चारिटा ऑप्शन रही इट इज स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन इट इनक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज नॉट इनक्लूडेड इन इट हेयर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेक्निक आर यूज्ड तो देखो आमर जो सीसीई रही कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रही स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन अटे ये ठीक अच्छे आउ इट इनक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट माने पिला मानकर सर्वांगीण विकास करिया चाहिए थाए तो सब गुड़ाक पिला सब गुड़ा विकास करवा तार लक्ष्य अटे ये भी ठीक अच्छे आउ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेक्निक यूज करा एटा भी ठीक अच्छे किंतु डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज नॉट इनक्लूड एटा भूल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टा तार इंटेग्रल पार्ट अटे तार गोटे अभिन्न अंग अटे तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तार गोटे पार्ट अटे इनक्लूड अटे नॉट लगे से आप करेक्ट नुहे ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट लैंग्वेज शुड द टीचर यूज व्हाइल टीचिंग शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट सो फार टू मीट देयर लैंग्वेज प्रॉब्लम से कहे जे जड़े आदिवासी छुआर आदिवासी पिलार लैंग्वेज प्रॉब्लम रोचे ताकू दूर करने जड़े शिक्षक कौन करवा उचित कौ भाषा ये करवा उचित पढ़ेगा उचित जहाद्वारा तार जो लैंग्वेज जो प्रॉब्लम रही है दूर हो पार तो ये आम रही पीपल स्पोकन लैंग्वेज सेटर लोक जहाँ कौन ना स्टैंडर्ड लैंग्वेज ना बुक लैंग्वेज ना बोथ बुक एंड स्पोकन लैंग्वेज तो देखो जदि गोटे आदिवासी पिलार भाषार प्रॉब्लम को आम मिटे चाहूँगी आप मैंने तार जो सी कौ भाषा कौच से ही भाषा आम बुक भाषा सहित संपर्क करवा यहाँ जो भाषा जहाँ कहे यहीटा को आम बुक जिन कहु मैंने बुझाया पड़ो तार निज भाषा को आमर जो बुक भाषा सहित बुझेले से आराम से बुझीपर और तार जो रही जो प्रोब्लम रोचे लांगुएज प्रोब्लम से दूर हो पार तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर बोथ बुक एंड स्पोकन लांगुएज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इवैल्यूएशन इज प्रोसेस ऑफ डैश इवैल्यूएशन टा गोटे कौ प्रकार प्रोसेस से पचार क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव नन ऑफ द अबव तो देखो इवैल्यूएशन आप मानकर कौन ना बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अटे ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस इज से कौन कौ इवैल्यूएशन टा आम लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करुच्ची लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करुच्ची जो इवैल्यूएशन कहा जाए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस सेड बाय डेस तो एडोलेसेंस आमर जो कैशोर अवस्था रही किशोर अवस्था कैशोर अवस्था से गोटे आम स्टॉर्म एंड स्ट्रेस झड़ माने प्रेशर ये सब आम रोचे टेनसन रोचे यहाँ किए कहते हैं किए स्टैनले हॉल कहते ये क्वेश्चन टाइम बहुत बार एग्जाम आसी। नेक्स्ट रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट करस्पोंडिंग टू सेफालोकाउडल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट तो सेफालोकाउडल आउ आपर प्रॉक्सिमल डिस्टल दुटा रही तो सेफालोकाउडल प्रिंसिपल रे आमर डेवलपमेंट गोटे गोटे छुआर डेवलपमेंट केमती हो ना हेड टू फुट हो तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर हेड टू फुट आउ आम प्रॉक्सिमल डिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी आड़ को जा तो मन रखिए ये दुटा क्वेश्चन आम एग्जाम पचार आप मानक सेफालोकाउडल पचार कि प्रॉक्सिमल डिस्टल पचार प्रॉक्सिमल डिस्टल हूँ सेंटर टू पेरिफेरी आड़ को डेवलपमेंट होटा आम सेफालोकाउडल कौन हो हेड टू फुट बा हेड टू टो दे फुट जगह आप टो मैं मानने आंगुठी आम आंगुठी पर्यटन जाऊँच तो यहाँ आप सेफालोकाउडल जाऊँगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट रही डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ से कौन डेवलपमेंट गोटे नेवर एंडिंग प्रोसेस यहाँ के एंड होनी यहाँ निरंतर प्रक्रिया अटे यही स्टेटमेंटा क्या सहित संपर्कित डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस माने निरंतर प्रक्रिया केवटा एंड होनी यहाँ हूँ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी सहित रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी सहित रिलेटेड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हूज नेम इज एसोसिएटेड विथ फादर ऑफ द यूजेनिक्स फ्रॉम फॉलोइंग तो एम किए फादर ऑफ यूजेनिक्स सहित संपर्कित से पचारि फादर ऑफ यूजेनिक्स क्या कहुए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर फ्रांसिस गाल्टन फ्रांसिस गाल्टन यहाँ उत्तर प्रदेश टीटी एग्जाम आसीला फ्रांसिस गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय यहाँ आपण उत्तर प्रदेश टीटी एग्जाम तो आपर उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड टीटी कुछ क्वेश्चन आम ओटीटी ओटीट आसूँ मुझे नहीं कि एग्जाम इंपोर्टेंट रही है तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आम आरएचटी ऑलरेडी पचारि सारी तो यहाँ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किए देखते यहाँ बीएफ स्किनर देखते बीएफ स्किनर ऑप्शन नंबर सेकंड होची करेक्ट आंसर। आपण ये ऑप्शन देखि जानपरते आमर कौन ओडिशा एग्जाम ए बी सी डी ऑप्शन रोच किंतु उत्तर प्रदेश यूपी वन टू थ्री फोर रोच तो आमर ऑप्शन नंबर सेकंड होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग तो कौ फैक्टरटा आम फिजिकल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करुच्छे ए क्वेश्चन आम ओटीटी एग्जाम 2022 जो एग्जाम होता 2021-22 ये क्वेश्चन आसी एक्चुअली ए क्वेश्चन थी आम यूपीटीईटर कितु यहाँ ओटीटर आम ओडिशा एग्जाम आसी इंपोर्टेंट रोचे तो आम फिजिकल डेवलपमेंट रोटा गोटे कौ फैक्टर इन्फ्लुएंस करुच्छे तो देखो स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज द्वारा आम फिजिकल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट परिवेश आउ हेरिडेटरी आम जो वंशानु तो ऑप्शन नंबर थ्री हो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ द एबव सब गुड़ाक आम करेक्ट अटे। नेक्स्ट रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट गुड टेस्ट बामर गुड टेस्ट जगह बेले बेले आपर स्टैंडर्ड टेस्ट STNDARD स्टैंडर्ड टेस्ट दे टेंशन ना में स्टैंडर्ड टेस्ट जहाँ गुड टेस्ट से तो गुड टेस्ट रोटा गोटे लक्षण नुहे से पचारि तीन टा तार क्यारेक्टर रही गोटे अलग रही तो गुड टेस्ट आम रही वैलिडिटी रोचे रिलायबिलिटी रोचे ऑब्जेक्टिविटी रोचे आउ यूजेबिलिटी रोचे यूजेबिलिटी आपर रोचे किंतु आप्टिट्यूड सेमती किसी ना ऑप्शन नंबर थ्री हो करेक्ट आंसर आउ यही क्वेश्चन आपर ओडिशा टीटी एग्जाम ऑलरेडी पचारि सारी तो से इंपोर्टेंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक एंड न्यू एबिलिटीज दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय स्टेटमेंट किए देखते स्टेटमेंट देखते किए इबी हरलॉक इबी हरलॉक एलिजाबेथ बी हरलॉक यहाँ को देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ब्लूप्रिंट इज एन इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो ब्लूप्रिंटा कहार गोटे इंपोर्टेंट कंपोनेंट अटे ब्लूप्रिंटा कहार इंपोर्टेंट कंपोनेंट तो करेक्ट आंसर टेस्ट
टेस्ट कंस्ट्रक्शन ब्लू प्रिंट निहाती आवश्यक अटे। ऑप्शन नंबर ए हूँ वन हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पीरियड ऑफ इन्फेंसी हुड इज इन्फेंसी हुड रीरियडा के पचार अलरेडी मुझे कही सारी स्टार्टिंग ही इन्फेंसी हुड एज लिमिट हो जन्म रु 2 वर्ष बा 0 to 2 years हो पार आपर 0 to 2 years कि बर्थ टू 2 years हो। ऑप्शन नंबर 4 हूँ करेक्ट आंसर। बेले बेले आपको बर्थ टू 1.5 दे टिक मारे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स द स्टेटमेंट इज ऑफ ए स्टेटमेंट किए देखते से पचार स्टेटमेंट को देखते किए क्रो एंड क्रो क्रो एंड क्रो दे। ऑप्शन नंबर 2 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट आईक्यू तो आईक्यू कैलकुलेट करने कौटा गोटे करेक्ट फॉर्मूला से पचार क्वेश्चन आम ओटीटी एग्जाम बहुत थर आसी रिपीट बहुत थर होटा कितु आमर कौन यूपीटीटी एग्जाम क्वेश्चन कितना आम ओटीटी आसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखे जापारे तो आईक्यू बाहर आईक्यू मान इंटेलीजेंस क्वेश्चन इंटेलीजेंस क्वेश्चन यार फॉर्मूला हूँ एम ए बाय सी ए इंटू 100 एम ए मान मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 मेंटल एज माने मानसिक बयस क्रोनोलॉजिकल एज माने आमर प्रकृत बयस बा इंटू गुणन 100 तार आईक्यू बाहरी पड़ा आपण मान आईक्यू पर क्वेश्चन आसो से एम ए दे 10-20 सी ए देखा से पचार तार एम ए के कि सी एम क्वेश्चन पचार नेक्स्ट भिडियो आपकी आसमी तापर क्वेश्चन आप जापारे सूत्र पकड़े आप आराम से तार आंसर बाहर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट द सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज से कहे आमर जो पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट दे 4 स्टेज अच्छी सेकंड स्टेज कौन से पचार पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेकंड स्टेज कौन से पचार देखो फास्ट हूँ सेंसरी मोटर स्टेज फास्ट सेकेंड हूँ आप फास्ट हूँ सेंसरी सेकेंड हूँ प्री ऑपरेशनल थर्ड हूँ कंक्रीट ऑपरेशनल फोर्थ हूँ आप फॉर्मल ऑपरेशनल तो ये आम सेकेंड पचार सेकेंड कौन हम प्री ऑपरेशनल स्टेज हो। ऑप्शन नंबर 1 हम करेक्ट आंसर प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप वन मे एसोसिएट ऑपरेंड कंडीशनिंग विथ ए क्वेश्चन आप सीएचटी 2021 आसाला यहाँ सीएचटी आप सीएचटी 2023 आसाला तो ये आम करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी बी एफ स्किनर हिंदी मैंने से कहे ऑपरेंड कंडीशनिंग सहित किए संपर्कित बी एफ स्किनर ए क्वेश्चन सी एच टी पचार पूर्व क्वेश्चन ओटीटी पचार खाली टिके से चेंज करके पचार। नेक्स्ट रही द फास्ट कलम फर व्विच मैचिंग इज मेड इज कॉल्ड एज यहाँ आम ओटीटी एग्जाम 2021 ये क्वेश्चन पचार से कहे आमर फास्ट कलम को मैचिंग आम जो कस्तम खस्तम रोचे से फास्ट कलम कौन कह जाए फास्ट कलम को आमर कौन कहुए ना प्रेमाइसेस कहुए ओडिया परिसर भी कहुए परिसर प्रेमाइसेस कहुए आउ जो सेकेंड कलम देखते आप जो क्वेश्चन दे थी आमर जो कस्तम कस्तम बा ए आउ बी कस्तम कस्तम तो कस्तम दे भुवनेश्वर ये ब्रह्मपुर ये आम कलकाता देशा ये आप वेस्ट बेंगल एमती तो आम कस्तम खस्तम मिसे मिले तो जो फास्ट जो रही कस्तम रही एगुड़ा कहुए प्रेमाइसेस परिसर कहुए आज सेकेंड आमर जो खस्तम अच्छे से कौन कहुए यू कहुए आपर रेस्पन्स कहुए ये अच्छे रेस्पन्स जहाँ आम आंसर भी कहते हैं आंसर रेस्पन्स आंसर तो ये आंसर भी कहुए ये आम रेस्पन्स कहुए तो सेकेंड टाक रेस्पन्स कहुए फास्ट मैचिंग कहुए आम फास्ट जो कलम अच्छी प्रथम कलम कहुए प्रेमाइसेस सेकेंड हूँ आम रेस्पन्सेस तो ये ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर प्रेमाइसेस। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट रही एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स मॉडल्स पिक्चर्स चार्ट्स मैप्स चॉकबोर्ड ओवरहेड प्रोजेक्टर स्लाइड्स एटसेट्रा कम्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी से कहे आमर जो युवा आम जो रही ऑब्जेक्ट्स मॉडल पिक्चर चार्ट मैप चॉकबोर्ड ओवर हेड प्रोजेक्टर स्लाइड युवा कौन से पचार कौ टाइप एड युवा आप मॉडल देखा बहुत पिक्चर देखा चार्ट भी देखिपर मैप देखिपर चॉकबोर्ड देखिपर ओवर हेड प्रोजेक्टर देखिए स्लाइड्स एक सब देखिपर तो युवा हूँ विजुअल एड्स मानने दृश्य उपकरण। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही है फ्रेडरिक फ्रोवेल हु डेवलप द किंडरगार्टन और चिल्ड्रन्स गार्डन इज ऑल्सो कन्सीडर्ड टू बी इन्वेंटर ऑफ से कौचि किंडर गार्टेन जो रही मेथड रही कौन कहुए से पचारा कहुए फ्लेवे मेथड कहुए से आँ करते ना फ्लेवे मेथड बोली कहुए ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विथ व्हिच थ्योरी स्टेटेड दैट रीइन्फोर्समेंट इज मोर इफेक्टिव मीन्स ऑफ एनकरेजिंग ए बिहेवियर दैट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट से कौचि क्या क्रिटिसिज्म एंड पनिशमेंट करवा अपेक्षा ठार पुनर्वलनटा रीइनफोर्समेंटा अधिक इफेक्टिव अटे यहाँ ये स्टेटमेंटा किए देखते आप शुणे रीइनफोर्समेंट पुनर्वलन यही वार्डटा शुणिले मात्र आप बिंदास मारे यहाँ बी एफ स्किनर देखते बी एफ स्किनर कौन देखते ना ऑपरेंट कंडीशनिंग देखते तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर ऑपरेंट कंडीशनिंग हम करेक्ट आंसर कहीं यहाँ बी एफ स्किनर देखते बी एफ स्किनर आप कौन ना ऑपरेंट कंडीशनिंग जो रही से रीइनफोर्समेंट को अधिक गुरुत्व देखते कौन से पिला को किसी आसुनि करके पनिशमेंट देवा क्रिटिसाइज करवा यहाँ द्वारा पिलाने को नेगेटिव मोटिवेट नेगेटिव थिंकिंग आसुची जब तक पुनर्वलन देवा हौ एथर है तू आउ भल से पढ़े तोर आउ भल मार्क आसब तू करू तू 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 यहाँ आराम से करूँ ताको जब आम पुनर्वलन देवा टे उत्साहित करवा एनकरेज करवा से निश्चय पारिपर यहाँ हूँ पुनर्वलन मीन्स आमर ऑपरेंट कंडीशनिंग सहित जड़ित आईटा देखते बी एफ स्किनर देखते एग्जाम में भी पचारिपे तो यहाँ कौ क्या संपर्कित ना ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्ट्स दैट चिल्ड्रन मूव थ्रू फोर स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट आइडेंटिफाई द वन व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रुप से कहते आमर जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखते तार जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज देखते तार चारिटा स्टेज रही से भितर कौटा जो चारिटा स्टेज भितर कौटा आमर जीन पियाजेट स्टेज नुहे से पचार तो जीन पियाजेट देखते फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज देखते सेंसरी मोटर देखते कंक्रीट देखते आउ प्री ऑपरेशनल स्टेज देखते कि डेवलपमेंटल स्टेज डेवलपमेंटल स्टेज यहाँ सेमती स्टेज नुहे ये तीन टा आउ प्री ऑपरेशनल स्टेज ये चारिटा हूँ कॉग्निटिव डेवलपमेंटर स्टेज अटे तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज हेडेड बाय 2000 आम एनईपी 2020 आसी एनईपी 2020 न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 आम जो आसला से किए हेड करते किए तार मुख्य थे ड्राफ्टिंग जो रहा तार ड्राफ्टिंग हेड थे के कस्तूरी रंगन ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड क्लास मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड क्लास मैनेजमेंटा कौन से पचारे यहाँ गोटे टीचर सेंट्रिंग अटे टीचर सेंट्रिंग माने शिक्षक केंद्रिक अटे शिक्षक केंद्रिक नॉट शिक्षार्थी केंद्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म ए क्वेश्चन मत आप आसी तो बिहेवियरिज्म जनक किए से पचार जो करेक्ट आंसर होची जे बी वाटसन जॉन बी वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट कौ जोड़ीटा इनकरेक्ट अच्छे से पचार कौ जोड़ीटा भूल अच्छी वाटसन ऑपरेंट कंडीशनिंग थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर कोहलर इनसाइड थ्योरी पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग आपड़ी आपशन देखने जापर कौटा भूल अच्छी मुझे बहुत रिपीट कर देखो पावलोव आमर जो आइवान पावलोव अच्छा से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी देखते यहाँ ठीक अच्छे ठीक अच्छे आउ इनसाइड फुल लर्निंग इनसाइड इनसाइड थ्योरी एटा देखते आम कोहलर देखते ओल्ड गैंग कोहलर देखते यहाँ ठीक अच्छे आउ ट्रायल एंड एरर आम ये भिडियो डिस्कसन कर ईएल थॉर्नडाइक देखते यहाँ भी ठीक अच्छे आउ ऑपरेंट कंडीशनिंग मुझे या पूर्व क्वेश्चन कही आम बी एफ स्किनर देखते बी एफ स्किनर देखते तो वाटसन देना वाटसन कौन बिहेवियरिज्म जनक या पूर्व आम डिस्कसन कले बिहेवियरिज्म जनक तो ऑपरेंट कंडीशनिंगटा आम बी एफ स्किनर देखते कि वाटसन लिखी तो यहाँ आप भूल अच्छी यहाँ इनकरेक्ट अच्छे ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज नॉट देयर इन ए ब्लू प्रिंट तो ब्लू प्रिंट कौटा न था से पचारे रिलेटिव वेटेज टू द कंटेंट रिलेटिव वेटेज टू द डिफिकल्टी लेवल रिलेटिव वेटेज टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटिव वेटेज
टू द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट। तो कौटा नुहे ब्लू प्रिंट रे कंटेंट उपरे गुरुत्व दिया जाउछि, क्वेश्चन रो प्रकार टाइप ऑफ क्वेश्चन माने लॉन्ग क्वेश्चन केत मार्क रहइबो, पांच मार्क केत मार्क रहइबो, एक मार्क केत मार्क रहइबो, या पर गुरुत्व दिया जाउछि, आउ ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट उपरे वेटेज दिया जाउछि। ए तीनटा उपरे ऑब्जेक्ट ए तीनटा उपरे हमर फोकस करा जाउछि, किंतु डिफिकल्टी लेवल उपरे वेटेज दिया जाउ नै। ऑप्शन नंबर बी होछि करेक्ट आंसर। एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो ब्लू प्रिंट उपरे प्रति एग्जाम रे पचारुछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव इमोशन, कौटा गोटे नेगेटिव इमोशन अटे। तो जियोलेसली जियोलेसी क्यूरियोसिटी प्लेजर अफेक्शन। तो देखु क्यूरियोसिटी प्लेजर अफेक्शन एगुड़ा कौन आप मर सकारात्मक आवेग अटे। तो कौटा नेगेटिव नेगेटिव होची जियोलेसी ईर्षा करवा, जियोलेसी हूँ गोटे नेगेटिव इमोशन अटे। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु प्रोपाउंडेड द इंस्ट्रुमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, इंस्ट्रुमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग किए प्रोपाउंड करते। तो ये किए कथ प्रोपाउंड ये करते बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर। एग्जाम एमती भी क्वेश्चन पचार व्हिच इज नोन एज इंस्ट्रुमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंस्ट्रुमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इंस्ट्रुमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी अन्य ना होची ऑपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जे कि आमर बीएफ स्किनर देखते। तो इंस्ट्रुमेंटल कंडीशनिंग जहाँ ऑपरेंट कंडीशनिंग से या, तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर बीएफ स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इवैल्यूएशन व्हिच इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स इज कॉल्ड। तो देखो गोटे कोर्स रे एंड रे जहाँ कि गोटे टर्म एंड रोचे गोटे आमर एकेडमिक एंड रोचे आप मे बी कौट कौट देखिए एकेडमिक एंड, एकेडमिक एंड रो एग्जाम होता कौन कह जाए कह जाए सबमिटिव कह जाए, टर्म एंड देखिए टर्म एंड रो होता सबमिटिव कह जाए, आ कोर्स एंड देखा सबमिटिव आसो। तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही अकॉर्डिंग टू अब्राहम एच मास्लो, मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड व्हिच नीड इज द बॉटम अमंग द फॉलोइंग। तो देखो अब्राहम मास्लो आमर हायरार्की ऑफ नीड देखते कौटा बॉटम रे अच्छे। तो तांगर जो नीड देखते नीड पिरामिड रे बॉटम रोच फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड सब तले रोच आउ सब टॉप रे रोच कोटा ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रोच ए दुटा बेसी पचारुची आप बॉटम पचारुची कि आप टॉप पचारुची टॉप रे की अच्छी ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रोच आउ बॉटम रोच आमर फिजियोलॉजिकल नीड रोच। तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर फिजियोलॉजिकल नीड। नेक्स्ट रही लॉ ऑफ रेडिनेस ऑफ थॉर्नडाइक इज ऑल्सो नोन एज। तो लॉ ऑफ रेडिनेस आमर थॉर्नडाइक देखते कौन कह जाए कौन कह जाए लॉ ऑफ मोटिवेशन बोली कह जाए। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ ए लर्नर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स इज फोर्स टू स्टडी द सब्जेक्ट देन द लर्निंग इज नॉट फ्रूटफुल, दिस एक्सप्लेन्ड दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय व्हिच लॉ ऑफ थॉर्नडाइक। तो से कहे जदि जड़े शिक्षार्थी से मैथमेटिक्स शिखा इंटरेस्ट ना तार जदि आम जबरदस्ती मैथमेटिक्स पढ़ेबा तेल से शिक्षण के फलप्रद नुहे लाभ ना जो यो एक्सप्लेन करा थंडाइंग लरे या ल जो देखते अच्छी। तो ये थंडाइंग कौ लरे या मेनसन करा लॉ ऑफ रीडिनेस मेनसन कर एग्जाम पर मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ ऑफ रीडिनेस यहाँ प्रीवियस ओटीडी एग्जाम आसी। तो लॉ ऑफ रीडिनेस मैंने प्रस्तुति नियम से प्रस्तुत नहांती से रेडी ना तो आम जबरदस्ती पढ़ेगा तो तार मन तो अन्य कौटी थी तो सर किसी लाभ ना तो से कही से जो यो स्टेट एक्सप्लेन कराइटा लॉ ऑफ रीडिनेस आसा थॉर्नडाइक देते। ऑप्शन नंबर बी हूँ आम करेक्ट आंसर लॉ ऑफ रीडिनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज रिटन द बुक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन व्हिच ही हैज गिवन 24 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। से कहे आमर जो थ्योरी मोटिवेशन थ्योरी रही से 24 थ्योरी ऑफ मोटिवेशन यटा को ए पुस्तक किए देखते थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पुस्तक को किए लिखिंट से 24 थ्योरी को से मेनसन कर। तो यही थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बुक लिखिंट के बी मार्सन, के बी मार्सन। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। ए क्वेश्चन मैं ओटीडी एग्जाम आसी प्रीवियस ईयर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही देर आर सेवराल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसेस सच एज भर्बाल मैथमेटिकल बॉडी बॉडीली काइनेस्थेटिक एटसेट्रा।
दिस कनसेप्ट वाज गिवेन बाय ए कनसेप्ट किए देखते सेवरल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस माने मल्टीपल इंटेलिजेंस ये किए देखते हावर्ड गार्नर देखते मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर हावर्ड गार्नर. नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि इफ ए स्टूडेंट डज नॉट हैव विलिंगनेस टू स्टडी देन यू कांट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट फ्रॉम हिम. दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग. से कहे जे जदि गोटे स्टूडेंट पढ़ाई इच्छा करूना ताको जदि आम पढ़ेबा ताहले आमे केबे भी आशा करिबेन ता पाखरु भलो रिजल्ट आसी बोले जणे पिलार पढ़ाई इच्छा नाही ताको जदि आम जबरदस्ती पढ़ेबा ताहले केबे भी आम पढ़ेबा आउ आम आशा करिबा जे से भलो रिजल्ट करिबो एटा केबे भी आशा करिबेन जे भलो रिजल्ट तार रहिबो बोले. ए स्टेटमेंटटा को प्रिंसिपल को लर्निंग प्रिंसिपल सहित जड़ित सेम क्वेश्चन एटा खाली आमर टिके मॉडिफाई करि से पचारि छि. तो एटा जदि जणे पिला पढ़ाई इच्छा करूनी ताको ताठु आमे पढ़ाई इंटरेस्ट नहीं तारो ताठारे आम भल रिजल्ट आशा करिया केबे भी ठीक नुह. ए स्टेटमेंट आमर लो ऑफ रेडिनेस रे जाउछ ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर लो ऑफ रेडिनेस एडा थंडाइंक रो लॉ. नेक्स्ट रहिछि इन विच स्टेज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड. को स्टेज रे फिजिकल ग्रोथ आमर फटाफट होउछ अति शीघ्र होउछ एडा आमर इन्फेंसी स्टेज बा शैशव अवस्था रे आमर कोन होउछ ना ग्रोथ रा फुल स्पीड रे होउछ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट रही है व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज द एंट्रेंस टेस्ट. एंट्रेंस टेस्ट आमर को टाइप इवोल्यूशन एटा बहुत रूम आप रिपीटेशन करते गुड़ा एंट्रेंस टेस्ट रही है ओटीटी वर्तमान आम जो देवे यहाँ हो गए एंट्रेंस टेस्ट सीटी बीएड ओएसटीटी ओटीटी सीटेट एगुड़ा सब गोटे गोटे एंट्रेंस टेस्ट अटे एगुड़ाक कौथे जा एगुड़ाक प्लेसमेंट इवोल्यूशन जाऊँच ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर प्लेसमेंट इवोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप द ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई इज डैश. चेन्नईर ओल्ड नेम कौन व्हिच टाइप क्वेश्चन इज इट एटा को टाइप क्वेश्चन एटा को टाइप कंप्लेशन ट्रू फॉल्स मल्टीपल चॉइस ना ओपन एंडेड. तो आप आराम से जापर ये डैश दे शून्य स्थान दे कंप्लेशन मैंने कौन समापनमूलक शून्य स्थान तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर कंप्लेशन. आज लास्ट क्वेश्चन देवे क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 हु इज नोन एज फादर ऑफ कोन ऑफ एक्सपीरियंस. ए क्वेश्चन आमर ओटीटी एग्जाम आसाला ता सहित आम सीएचटी एग्जाम पचारिचारे इंपोर्टेंट रो तो जेटी जेटी भी पचारि पारे से किसी ग्यारंटी ना तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस जनक क्या कहा जाए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एडगार डेल. एडगार डेल ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर. तो फ्रेंड्स ए टोटल 50 क्वेश्चन जहाँकि आम डिस्कसन कले आप आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे. जदि भिडियो भल लगुच ताहले निहाती गोटे लाइक करिबे ता सहित अधिकरु अधिक मात्रा रे कृपया सांगे साथी मानकु शेयर करिबे. आउ जो माने आम चैनल रे नुवा छथि चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन क्लिक करंतु जहा द्वारा समस्त भिडियो रो नोटिफिकेशन आप माने पाई पारिबे. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट भिडियो आप मानकु लेके आसीबी आमर ईवीएस उपरे जहाँकि एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो एनवायरमेंटल स्टडीज उपरे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो आप मानकर आसीबो. तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ.